सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग ऐसे स्थान पे वॉल पेंटिंग करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ही मान्यता है, और माना जाता है कि अगर आप चार धाम की यात्रा कर रहे हैं और इस जगह ना जाए तो वो चार धाम की यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। सो गाइज, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, ये है मंदिर जिसमें हम लोग आए हैं वॉल पेंटिंग करने, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ कहाँ हम लोग वॉल पेंटिंग करेंगे। और साथ ही काम करने के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा इस मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में कि ये इतना फेमस क्यों है, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी इच्छाएं लेके आते हैं कि वो पूरी हो जाएं। सो गाइज, ये है मंदिर। सो गाइज, दो दिन से हमारे साथ ये हो रहा है कि जब भी हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो है बारिश स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से हमारा काम जो है रुक जा रहा है। फाइनली गाइज, हमारा काम स्टार्ट हो चुका है इस मंदिर में। वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल बेतार। सो गाइज, हम लोग आए हैं वॉल पेंटिंग के लिए, और ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीतापुर में, और ये यहाँ इस जगह का नाम है चक्रतीर्थ नैमिषारण्य मंदिर है, और यहाँ पे हमारा वर्क होगा। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ वॉल पेंटिंग हम कर रहे हैं, और आगे हम अलग अलग राज्य में जाके हम करते रहते हैं वॉल पेंटिंग। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा हम लोगों का यहाँ पे काम चल रहा है। सो गाइज़, ये है लोकेशन जहाँ पे हमें वॉल पेंटिंग करनी है, और हम लोग देख रहे हैं कि हमें किस तरह से और कैसे हमें मेज़रमेंट लेना है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पे वॉल पेंटिंग करेंगे। सो गाइज़, सब कुछ होने के बाद हम लोग जो है ड्राइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरे ड्राइंग होने के बाद हम लोग इसमें कलरिंग वगैरह ये सब चीज़ें देंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है मंदिर से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सब चीज़ें। पहले हम लोग ड्राइंग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है कलर वगैरह धीरे धीरे उसमें फिलअप करते हैं, देन उसके बाद लास्ट में जो है डिटेलिंग आती है। तो वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ आगे कैसे कैसे हम लोगों ने डिटेल दिया ये सब चीज़ें। हमारे विशाल जी है जो वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। हेलो विशाल जी, कैसे हैं? हेलो सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप बताएंगे किसके ऊपर और किस चीज़ के बारे में बना रहे हैं आप? ये सर जो पेंटिंग है ये हमारी जो है ये मंदिर है, जो नैमिषारण्य मंदिर है उसी से रिलेटेड यहाँ का हम पेंटिंग बना रहे हैं इस चीज़ को। देखिए, हेलो गाइस, आज हमारा है नैमिष मंदिर, यहाँ पे बुद्धा जी बनाए कितना सुंदर। और ये देखिए यहाँ पे नैमिष का मंदिर की टू कॉपी करने की कर रहे हैं, अभी अनकम्प्लीट है। और यहाँ पे हमारे विशाल जी है जो ऊपर चढ़े हुए हैं पैड पर, देखो बड़ा डेंजर रिक्स वाले काम कर रहे हैं, गिर भी सकते हैं विशाल जी। हाँ जी विशाल जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे ये वॉल आपको कैसे, मतलब कि क्या क्या सोच के आपने ये वर्क? जी ये सर, हमें जो है इसी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उन्होंने हमें जो है दिया है, और ये वर्क करने मतलब करके हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। और ये जो वर्क है ये इसी मंदिर से रिलेटेड कुछ वर्क हैं जो हम लोग इसको कम्प्लीट करेंगे, और हम बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे कहूँ, मतलब कि हम लोग लकी बहुत हैं कि हम लोगों को यहाँ पर मौका मिल रहा है वर्क करने का, है ना। और जो है ये आप देख सकते हो मैंने मंदिरें यहाँ से जो रिलेटेड मंदिरें हैं दी। सो गाइज, हमने फाइनली ये वॉल पेंटिंग कंप्लीट कर लिया है, ड्राइंग से लेके पूरी डिटेलिंग सब कुछ हमने जो है फाइनल कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने एक ब्रह्मा जी बनाया है, और कुछ नीचे ऋषि मुनि हैं जो कि उनकी पूजा कर रहे हैं, और साथ ही जो है एक लेडी बनाया हम लोगों ने जो कि तुलसी जी की पूजा कर रही हैं अपने आंगन में।
जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और जो है यहाँ इस मंदिर में जो हम वॉल पेंटिंग कर रहे हैं उस दौरान काफ़ी लोग जो है यहाँ पे देखने आते हैं उसको, और देख रहे थे कि अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छा बन रहा है। ऐसे ऐसे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा था उनकी बातों से। तो इन्हीं से कुछ रिलेटेड जो हम लोगों ने पेंटिंग यहाँ पे की हैं, अब जो है नेक्स्ट वाली वॉल पे हम लोग भी ऐसी कुछ पेंटिंगें बनाएंगे इसी से रिलेटेड, वो दूसरी वाली वीडियो में हमारी आएंगी। इसी मंदिर में और भी वॉल है जिसमें वॉल पेंटिंग होना है, तो मैं उसमें दूसरी वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने और कहाँ कहाँ पे वॉल पेंटिंग की है इससे रिलेटेड। सो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, जिसमें हमने ये महाकुंड भी बनाया है जिसमें हम लोग आरती करते हैं शाम को, यहाँ पे पूजा होती है उससे रिलेटेड हमने ये पेंटिंग किया है। और यहाँ पे जितने भी मंदिर है वो सब हम लोगों ने इसमें जो है दिखाया है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और अब दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे कि उसमें हम लोग और क्या हम बना सकते हैं। सो गाइस चलते हैं फिर।